अस्सलाम वालेकुम यार, मैं कराची में और यहाँ पे मेरे ये साथ दोस्त खड़ा हुआ है, इसने 125 के ले लिए। हम तो परेशान हो गए यार। हम अभी आ रहे हैं नॉर्थ कराची से लेके ये सीव्यू तक का हमारा रास्ता डिस्टेंस जो है ना, हमने अभी कवर किया। जहाँ जहाँ हम रुके ना, वहाँ लोग देख के हैरान हो गए, यार तुमने 125 ले ली, कैसे ले ली 125। मैं तो परेशान हूँ। ये सामने हम यहाँ भी सीव्यू पे खड़े हैं। सीव्यू पे जब एंटर होते हैं तो वो टिकट काटते हैं ना, जो भी यहाँ पे होते हैं वो सीबीसी वाले। तो सीबीसी वाले जब टिकट काट रहे थे तो हमारी बाइक को देख के बोलने लगा, ओ भाई ये ना तुम इसका खुद ही ख्याल रखना, इसका हम ख्याल नहीं रख सकते। यार ये हाल है हमारे कराची की सिक्योरिटी का। जहाँ जाते लोग परेशान हो जाते, भाई तुम कराची में 125 कैसे चला रहे हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है कराची जैसे शहर में कोई 125 चलाए। ये देखें, मैं आपको बता दूँ कराची के लोग किस बाइक को ज़्यादातर ये इस तरह की वो बाइक कहते हैं, भाई ये हालात है कराची के, तुम सिर्फ ये बाइक चलाओ। देख रहे हैं ना, वो कहते हैं भाई ये हालात है, तुम ये बाइक। हम जो पूरे रास्ते जहाँ जहाँ रुके ना, वहाँ लोग देख के परेशान हो गए और हमें मशवरे दे रहे हैं, भाई कराची में ये बाइक नहीं चलाओ, ये नहीं चलती, ये तुमने क्या कर लिया अपने सर में, जो है ना अपने सर का दर्द तुमने ले लिया है, तुम परेशान हो जाओगे, यहाँ पे रह नहीं सकती ये बाइक। ये देखो, मैं अब ताले वाले के पास गए ना, हमने बोला यार लोग इतना बोल रहे हैं तो चलो इसके लिए हम एक ताला ले लेते हैं ताकि इसकी सिक्योरिटी हो जाए। मैं दिखा, ये ताला हमने लिया नहीं है, इतना बड़ा ताला हमने लिया था, इतना सा था। हमने बोला ये छोटा ताला दे दो, तो दुकानदार ने बाइक देख के बोला, भाई ये इसके लिए ये नहीं चलेगा, ये बड़ा वाला जो दिखाया मैंने आपको ये ताला लेके जाओ। ये हालात है भाई यहाँ के, ये कराची के हालात है। एक 125 के ले लो, हम तो परेशान हो गए यार। हर दो कदम के बाद तीसरा बंदा आता है, बोलता है कि यार ये तुमने क्या की तो 125 आपकी। हमने बोलते हैं हाँ भैया हमारे, हमने लिए तो हमें आके लोग मशवरे देते हैं, फ्री के मशवरे, हमने कोई पैसे भी नहीं देने होते, फ्री के मशवरे के भाई ये तुमने क्या ले लिए, तो तुमने अपने सर पे अजाब ले लिया पाकिस्तान कराची में, तुम ये नहीं चला सकते। हम तो परेशान हो गए यार, एक बाइक क्या ले ली, 10,000 मशवरे लोगों के मिल रहे हमें यार। मैकेनिक के पास चले गए ये बाइक, क्योंकि जब ली थी ना तो हमने मैकेनिक को देखा, उसने बोला यार ये बाइक ले थोड़ा सा इसको देख लो, ट्यूनिंग और इसके सारे मामला सही है कि नहीं। तो मैकेनिक परेशान हो गया हो मैकेनिक बोल रहा हो भाई ये तुमने क्या ले लिया, जब कराची के हालात बेहतर हो ना तब जाके ये बाइक लेना, ये तो तुमने कैश का आइटम लिया, ये तुम दावत दे रहे हो पूरे कराची के लोगों को कि भाई आओ ले जाओ, लाओ भाई ले जाओ, आओ भाई ले जाओ। यहाँ कोई रखता ही नहीं है बाइक, कराची के लोग किस तरह की बाइक रखते हैं ये मैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे ना ऐसी ऐसी बाइकें रखते हैं लोग, जिसके मीटर नहीं होता, जिसमें टेंट शेंट लगे हुए होते हैं, जिसको देख के बंदा बोले यार इससे ज़्यादा तो गरीब कोई हो ही नहीं सकता यार, मुझसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं होगा। ऐसी बाइकें कराची के लोग रखते हैं जबकि वेल ऑफ है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद ये रख नहीं सकते, क्यों? हालात इतने ख़राब है, सिक्योरिटी के इतने मामलात ख़राब हैं, लोग वेल ऑफ होने के बावजूद भी अपने ही शहर में वो चीज़ें नहीं रख सकते यार। मैं तो बोलता हूँ बड़ा जुल्म है कराची के साथ। मैं लाहौर में था लास्ट टाइम, मैं लाहौर में था, वहाँ पे 125 सन्नाटे में भी लेके हम खड़े हो जाते थे, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और यहाँ पे ओ भाई रश में भी खड़े होते हैं तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, यार ये अनोखी चीज़, कौन सी अनोखी चीज़ ये लेके घूम रहा है, ये मेरे साथ लोग खड़े हुए। भाई कराची में 125 रखना कैसा है बताएं आप मुझे। भाई पेट्रोल के पैसे इधर पूरे नहीं हो रहे, चोरियाँ बहुत हो रही है, ये देख गाड़ी काली गली में खड़ी करो वापसी आओ बाइक गायब हो, बाइक गायब। ये देखें ये सिचुएशन है आपके सामने, 70 रखना मुश्किल हो गई, 70 रखना मुश्किल। हम तो देखें आपके सामने मैंने लाइव दिखा दिया, ये मशवरे हमें सब जब से मिल रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ मिलते हैं। और कराची की आबादी भी आपको बताया 4 करोड़ की आबादी है यार, तो यार हम तो दिमाग जो है ना वो गलती कर ली यार, कोई हमने लगता है 125 लेके यार, बस ये हालात है कराची के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।